कहानी दो दोस्तों की, जो एक ऐसे साम्राज्य में रहते हैं जहां तीन कबीले के लोग गद्दी के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, लेकिन अचानक दोनों में कट्टर दुश्मनी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? दोनों के बीच क्या हुआ था? साम्राज्य का असली वारिस कौन है? चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है सालार मूवी और कहानी स्टार्ट होती है खानसार साम्राज्य के दो दोस्त देवा और वर्धा से। वर्धा खानसार के राजा का बेटा होता है और देवा उसका जिगरी दोस्त। खानसार में राज परिवार के लोग अपने नाक में नथनी पहना करते थे, लेकिन एक दिन वर्धा का कजन उसकी नथनी छीन लेता है। देवा को पता चलने पर वो गुस्से से वर्धा को उसकी नथनी दिलाने ले जाता है। वर्धा का कजन देवा को चैलेंज करता है, अगर उसने पहलवान को हराया तो वो नथनी वापस कर देगा। देवा बिना सोचे समझे पहलवान से भिड़ जाता है, पर पहलवान को हराना मुश्किल था, इसलिए देवा बिजली की नंगी तार को छूकर पहलवान को पकड़ लेता है। पहलवान झटके से वहीं चित हो जाता है और कजन खौफ में नथनी वापस कर देता है। कुछ दिनों बाद खानसार में जंग छिड़ जाती है। कुछ ताकतवर लोग घर घुसकर लोगों को मारने लगते हैं और देवा के घर पहुंचकर उसकी माँ को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ वर्धा आकर उन्हें रोक लेता है और इसके बदले उन्हें खानसार की सबसे बड़ी टेरिटरी के रूप में अपना सबसे बड़ा कड़ा दे देता है। यहाँ उनके हाथ में लगे कड़े टेरिटरी के सिंबल थे। वर्धा देवा के माँ की जान बचा लेता है, पर देवा की माँ बहुत डर जाती है और खानसार से चले जाने का फैसला करती है। देवा वर्धा से वादा करता है जिस दिन वर्धा उसे पुकारेगा वो उसके साथ होगा। इधर खानसार के राजा राजमन्नार को जब पता चलता है बेटे ने दोस्त की माँ की जान बचाने के लिए सबसे बड़ी टेरिटरी दान कर दी, तो वे गुस्से से बेटे को राजघराने से बेदखल कर देते हैं और अब वर्धा आम जिंदगी जीने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में चेंज होती है, जहाँ अथिया नाम की लड़की इंडिया आ रही होती है, जिसे खानसार के लोग अपना जानी दुश्मन समझते थे और किडनैप करना चाहते थे। दरअसल वे उसके पिता को मारना चाहते थे, लेकिन वो इंडिया आता ही नहीं है, पर उसकी बेटी इंडिया आ जाती है। आथिया का पिता ये सब जानता था, इसलिए वो बिलाल नाम के आदमी से मदद लेता है। बिलाल खानसार के आदमी से पहले ही आथिया को किडनैप कर सेफ जगह पहुंचाने का बंदोबस्त करता है। आथिया का पिता उसे देवा के पास ले जाने को बोलता है। इधर देवा मैकेनिक के रूप में कोल माइन में काम करता था। वो एक सीधा साधा सिंपल इंसान था, लेकिन फिर भी उसकी माँ बहुत घबराती थी। उसे डर था कहीं देवा किसी से झगड़ा ना कर ले। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। देवा की माँ स्कूल में पढ़ाती थी, तो बिलाल भी वहीं आथिया को टीचर के रूप में अपने पास रखने को बोलता है। दूसरी ओर खानसार के लोग पूरे देश में ढूंढते हैं, पर आथिया उन्हें कहीं नहीं मिलती। यहाँ हमें पता चलता है खानसार की सबसे ताकतवर महिला राधा के कहने पर खानसार के लोग आथिया को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो आथिया के पिता से बदला लेना चाहती थी। अब क्यों कैसे आगे पता चलेगा। एक दिन किसी वजह से खानसार के लोगों को आथिया का पता चल जाता है। वे वहां से आथिया को उठाकर ले जाने लगते हैं। देवा उसे बचाना तो चाहता था, पर माँ ने उसे लड़ाई ना करने की कसम दे रखी थी, लेकिन अब गुंडे देवा पर अटैक करने आते हैं, तो उसे देवा को लड़ने का परमिशन देना ही पड़ता है। तब देवा उनकी कुटाई करने लगता है। आथिया ये देख हैरान थी। इतने में कुछ लोग आथिया और बिलाल पर खानसार की सील लगाकर उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं, और जिस भी चीज पर खानसार की सील लगती थी उसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं रोक सकती थी। पर देवा उनकी गाड़ी को तोप से उड़ा देता है, उनके इलाके में घुसकर उन्हें मारता है। इधर खानसार के राजा को भी पता चल जाता है किसी ने उनके ट्रक को उड़ा दिया है, और खानसार का राजा वर्धा था, जो देवा के नाम सुनते ही बौखला जाता है। और ये आथिया को समझ नहीं आती। आथिया बिलाल से पूछती है, तब बिलाल उसे पास्ट की सारी घटनाएं बताता है। बिलाल कहता है, खानसार अंग्रेजों से भी पहले का साम्राज्य है। उस समय यहाँ तीन कबीले के लोग थे, पहला मन्नार का कबीला, दूसरा सूर्यांश और तीसरा कढ़ियाल का कबीला। तीनों कबीले खानसार की गद्दी पाना चाहते थे और सालों से एक दूसरे से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने भारत पर तो कब्जा किया था, लेकिन किसी की खानसार में घुसने की हिम्मत नहीं थी। समय के साथ जब भारत का पार्टीशन हुआ तब खानसार किसी में नहीं मिला, वहाँ किसी के नियम नहीं चलते। अभी तक खानसार में मन्नार का राजा राज करता था और अब पारी सूर्यांश कबीले की थी, लेकिन मन्नार का राजा उन पर हमला कर देता है। सोते समय सूर्यांश के लोगों को मरवा देता है। रातों रात सूर्यांश कबीले का सर्वनाश हो जाता है। राज मन्नार पूरे भारत से ताकतवर लोगों को इकट्ठा करता है और अपने मन्नार की फौज खड़ी कर देता है। खानसार में उसकी तानाशाही स्टार्ट हो जाती है। वो खानसार को अलग अलग टेरिटरी में बांट देता है।
जिन्हें सरदार चलाते थे। ज्यादातर सरदार उनके ही परिवार के थे और कुछ कड़ियाल कबीले के। राजमन्नार का राज ऐसे ही चलता रहता है, पर राजमन्नार परेशान था कि उसके बाद राजगद्दी कौन संभालेगा। तभी उसका सलाहकार उसे उसके बेटे को वापस बुलाने की सलाह देता है, पर राजमन्नार अपने बेटे के कांट से गुस्सा था, लेकिन सलाहकार के समझाने पर मान जाता है। इधर वर्धाम जिंदगी जी रहा था। अगले दिन राजमन्नार सभा में कहता है, आज तक मैंने खानसार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए आप में से एक अपनी सीट मेरे बेटे को दे दें, ताकि वर्धा मेरे वापस लौटने तक राजगद्दी के योग्य बन जाए। रंगा ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन राजमन्नार के खौफ से अपनी सीट देने को तैयार हो जाता है। पर राजमन्नार के वहाँ से जाने के बाद सबके असली चेहरे सामने आते हैं। दरअसल सभी राजमन्नार की गद्दी हथियाना चाहती थी और रुद्र रंगा के साथ मिलकर वर्धा को मारने की सोचता है, ताकि अगला राजा उन्हीं में से एक हो। इधर वर्धा की रक्षा के लिए एक भी आदमी नहीं था। सभी लोग उसे मारने पहुंच जाते हैं और वर्धा को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन किसी वजह से उसे मार नहीं पाते और धमकी देकर चली जाती है। राधा देखती है कि राजा के जाने के बाद सरदार आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो पूरे खानसार में सीज फायर लागू कर देती है। रुद्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सीज फायर के खिलाफ वोट करने की अपील करता है और वोटिंग 9 दिनों बाद रखी जाती है। राधा और सभी जानते थे वोटिंग रुद्र के पक्ष में ही जाएगी। सभी सरदार एक दूसरे को मार काट के गद्दी हासिल करना चाहते थे, इसलिए सभी सरदार दुनिया भर के ताकतवर आदमी, कोई रशियन यूक्रेनियन तो कोई एडवांस हथियार इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनकी आर्मी एकदम बेस्ट हो। इधर वर्धा के सरदार बनने के बाद भी उसके पास कोई आर्मी नहीं थी। वर्धा के लोगों को डर था कि सबसे पहले उनका ही अंत होगा। वर्धा भी परेशान था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा था, देवा। वो देवा के पास जाता है और देवा भी माँ के परमिशन से साथ चलने को तैयार हो जाता है। खानसार में वर्धा के लोग देखते हैं वर्धा आर्मी नहीं बल्कि एक आदमी अपने साथ लाया है। वे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वर्धा जानता था देवा क्या चीज है। वर्धा देवा को हमेशा अंदर ही रखता है, क्योंकि वो जानता था अगर किसी ने देवा के सामने उसकी बेइज्जती कर दी तो देवा दुनिया को आग लगा देगा। लेकिन एक दिन देवा देखता है उनमें से एक सरदार का बेटा गांव की लड़की के साथ गंदी हरकतें कर रहा है। देवा एक्टिवेट हो जाता है और उन सबको बिना निर्मा साबुन के धोने लगता है। किसी का हाथ काटता है तो किसी का सिर, और आखिर में देवा सरदार के बेटे का गला काट कर माता काली के चरणों में चढ़ा देता है। सरदार को ये पता चलने पर देवा और वर्धा को कैद कर लिया जाता है। सरदार जानता था देवा के अंदर वर्धा की जान बसती है, इसलिए वो देवा के सामने वर्धा को मारने का निर्णय लेता है। देवा सरदार से कहता है वो उसकी जान ले ली पर वर्धा को कुछ ना करे, लेकिन सरदार सीधे वर्धा की कॉलर पकड़ लेता है। देवा की इससे सनक जाती है और वो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तब दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन सीज फायर की वोटिंग होती है। चूंकि वर्धा भी सरदार था, इसलिए वोटिंग से पहले रुद्रा वर्धा के पास आकर उसे भड़काता है। कहता है अगर तुमने सीज फायर के पक्ष में वोट दिया तो तुम कायर हो गए। तुम्हारी असली हिम्मत तो तब पता चलेगी जब तुम सीज फायर के विरुद्ध वोट करोगे और हमारे साथ लड़ाई करोगे। वर्धा उसकी बातों में आ जाता है। अगले दिन वोटिंग सीज फायर को हटाने के पक्ष में बढ़ने लगती है, लेकिन तभी राजमन्नार आकर सीज फायर के पक्ष में वोटिंग करके दोनों पक्ष बराबर कर देते हैं। अब अंतिम वोट वर्धा का डिसाइड करने वाला था कि सीज फायर हटनी चाहिए या नहीं, लेकिन वर्धा भी सीज फायर को हटाने के पक्ष में वोट दे के जंग का आगाज कर देता है। फिर सभी सरदारों की आर्मी एक दूसरे से मरने कटने को तैयार हो जाती है, लेकिन सभी का मेन गोल था वर्धा का काम तमाम करना। पर वर्धा जानता था जब तक देवा उसके साथ है उसे कोई छू भी नहीं सकता, और अब दोनों मिलकर खानसार में खून की होली खेलना स्टार्ट कर देते हैं। चारों ओर आग की लपटे और लोगों के खून थे, दोनों सभी को मार रहे थे। पर तभी वर्धा को पता चलता है देवा सूर्यांश कबीले का वारिस है। तब हमें पता चलता है जब राजमन्नार ने अपने आदमी को सूर्यांश कबीले को जड़ से खत्म करने भेजा था, तो सूर्यांश कबीले ने अपने वारिस को शिविर में छिपा दिया था, ताकि मरने के बाद उनका वारिस राजमन्नार से बदला ले सके। चूंकि पहले ही तय था सूर्यांश कबीले का वंशी राजा बनेगा, तो राजमन्नार ने सभी को मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया था। पर अब सूर्यांश कबीले का वंश देवा वापस आ चुका है और अब वही राजा बनेगा। शायद इसी वजह से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट
कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पिता की परवरिश ने बेटे को दरिंदा बना दिया तो राइट वाली वीडियो क्लिक करिए।